Hope all of you are doing well. Welcome to another vlog. Today I am going to a book market. बहुत सारे लोगों ने मुझे DM करा था कि कौन सा सस्ता book market है, कहाँ से books ली जाएँ. So let's get started. So guys, अब मैं कैसे जा रही हूँ? I'm going by metro. मंडी हाउस से मैं ITU वाली मेट्रो लूँगी, विच इज़ वॉलेट लाइन, और वहाँ से आई टेक ऑटो. नाउ गाइज, दिल्ली गेट से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप जा सकते हैं. अ लॉट ऑफ किड्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू दिल्ली टू स्टडी. बहुत से लोग जो हैं वो पढ़ने आते हैं. नीट वगैरह की तैयारी करनी होती है बच्चों को, और बुक्स बहुत महंगी मिलती हैं. बहुत सारे लोगों के लिए NCERT अफोर्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. उन सब के लिए ये मार्केट है. यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में सारी बुक्स मिल जाएंगी. द मार्केट इज़ कॉल्ड महिला हाट. यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ के बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स मिल जाएंगे, स्टेशनरी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, लाइक NCERT नोटबुक्स, पेंटिंग मटेरियल. दैट वाज अ लिटिल अबाउट महिला हाट. अब गाइस, मैं ऑटो से जा रही हूँ, और मैं दिल्ली गेट के पास ऑटो वाले भैया को बोल के जा रही हूँ. सो टाइमिंग्स गाइस, 10 बजे से ये मार्केट लग जाता है, शाम तक होता है, लेकिन 10:30-11 तक जाइए और शाम को थोड़ी जल्दी चले जाइए. दैट्स मी. नाउ गाइस, अगर आप थोड़ी मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं तो शायद सब आपको अवेलेबल ना हो चीज़ें, तो गो टिल 11 या 10:30. और शाम को गाइस कोशिश करिए, आई थिंक 6 o'clock तक है, बट यू गो बाय 4-5, क्योंकि गाइस क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सामान तब तक चला जाता है, नॉवेल्स यहाँ बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं. तो मिल जाएगा आपको, बट यू विल हैव टू फाइंड देम. तो कोशिश करिए कि शाम को भी थोड़ी सी जल्दी जाओ आप. दिल्ली गेट से आप ऑटो से उतरोगे तो वॉकिंग डिस्टेंस है. उसके बाद दिस वॉज दी एंट्री. अब अलग अलग स्टॉल्स हैं, सो यू विल हैव टू स्टॉप एंड आस्क. बेस्ट तरीका ये है गाइस कि जो भी ऑथर की बुक चाहिए आपको, या जो भी बुक्स चाहिए, नॉवेल्स चाहिए, आप वो देख लीजिए, आपको दूर से ही पता लग जाएगा वो कहाँ कहाँ हैं. पूरा मार्केट घूम लीजिए, प्राइस पता कर लीजिए, और जहाँ पे आपको सबसे कम मिल रहा है उनको बोलिए 10 या 20 रुपीज़ जो है वो कम कर लें थोड़े से. थोड़ा सा घूमिए, एक्सप्लोर करिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्राइस कम करवाइए. यू विल बी हैप्पी कि काफ़ी प्राइस रिड्यूस हो जाता है. कुछ जगह मुझे लिखा हुआ दिखा कि 50 में ऑल बुक्स इन 50. अब वो स्टॉल्स थोड़े से कम थे और मुझे काफ़ी ढूंढने पे मिले, पर वहाँ से आप बेस्ट जो आपको नॉवेल्स लगते हैं वो पिक कर सकते हैं. मुझे गाइस एक अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत सारी डायरीज सुंदर सुंदर 50 रुपीज़ में यहाँ मिल रही है. नाउ आई रियली लव टू राइट, और मैं जर्नलिंग करना भी थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ, तो जो लोग ये सब करना पसंद करते हैं उनके लिए 50 रुपीज़ की अच्छी अच्छी डायरीज उनको मिल जाएँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट. तो आप वो ले सकते हैं. यहाँ पे गाइस अगर आप बल्क में नोटबुक्स लेते हैं तो आपको बहुत ही कम पड़ेगा, बिकॉज ये 5 नोटबुक्स जो हैं उसका बंडल आपको थोड़ा सा कम करके दे देते हैं. गाइस एक स्टॉल दिखाती हूँ मैं आपको, ये सारे नॉवेल्स देख लीजिए. अगर आप ऑथर्स देख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं. सो यहाँ पे ये बुक्स हैं, और ऊपर है लिखा दैट ओनली फॉर 50 रुपीज़. सो ये सारी बुक्स 50 की थी. ये स्टेशनरी मटेरियल है, जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और एक्सपेंसिव पड़ता है वो भी यहाँ से ले सकते हैं. बहुत सारे स्टॉल्स हैं इसलिए काफ़ी जगह सेल है. यहाँ देखिए लिखा है सेल 50, तो सब यहाँ 50 का है, बट 50 वाले ना गाइस बहुत कम है. तो जब आप पूरा मार्केट घूम लेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ सेल है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक ऑथर का आप सोच के जा रहे हैं कि इसकी ये बुक्स लेनी है, तो आप कोशिश करिए कि सारे एक बार मार्केट घूम ली, उसके बाद जिन्होंने कम तो आपको कम प्राइस में दे रहे हैं, बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, वहाँ से लें. मुझे तो गाइस जहाँ जहाँ सेल ₹50 दिखा, मैंने कोशिश करी वहाँ सारे अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं वो ले पाऊँ. ऑल्दो ये है गाइस कि आपको काफ़ी ढूंढनी पड़ेगी जो बुक आपको चाहिए, लेकिन मिल जाती है. सो बल्क में आप लेना चाहते हैं और बहुत सारी बुक्स आपको लेनी है, या बहुत ज़्यादा स्टेशनरी मटेरियल आपका यूज़ होता है, यहाँ से लीजिए, कम पड़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा. सो यार गाइस दैट्स इट. उसके बाद जाते हुए मैंने ऑटो लिया, एंड मैंने यहाँ से डायरेक्टली मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का ऑटो ले लिया. तो आपको जो सूट करे आप वैसा कर सकते हैं. अब गाइस आप पूछेंगे कि
क्या बुक्स ली, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे लिखना बहुत पसंद है, आई लव टू राइट। तो मैंने द करेज टू बी हैप्पी ली है। गाइस, काफ़ी सारी डायरीज ली हैं, एक्चुअली 5 बुक्स मैं लेकर आई हूँ यहाँ से। स्पेशली नोटबुक डायरीज वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्रेफर करती हैं, तो उनके काफ़ी पैसे उस पर खर्च हो जाते हैं। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द डायरी। इसी में मैंने एक रेड कलर लिया है। गाइज, थोड़ी सी आपको मार्केट और क्राउड कम लग रहा होगा, एक्चुअली बूस्टर डोज के बाद ये मार्केट धीरे धीरे लगनी शुरू हुई थी। स्टॉल्स अभी भी कम आपको दिख रहे होंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्राउडेड कम था, लेकिन मुझे कम क्राउड सेफ लग। कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो अभी भी नहीं हैं, बट ओवरऑल मुझे काफ़ी वैरायटी मिली। और मैं पर्सनली, जो लोग बल्क में नोटबुक्स खरीदते हैं, जिनको डेली डायरीज या नोटबुक की ज़रूरत पड़ती है, उनको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ जाएं, आपके पैसे बहुत सेव होंगे। जो बच्चे NCERT अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी जा सकते हैं। पीपल हु लव टू रीड, उनको मैक्सिमम 70-80 रुपीज़ में बहुत सारे नॉवेल्स मिल जाएंगे। आपको डायरी के बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी जैसे आपको चुंबक वगैरह के स्टोर्स पर मिलती है, बट डायरी का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब डायरी की गाइस मुझे यहाँ 2 ही स्टॉल्स दिखे, हालांकि मुझे वो पसंद आया, मुझे अफोर्डेबल लगे। सो या जस्ट सी इफ दैट सूट्स यू, जाइए एक बार देख कर आइए। बुक लवर, स्टूडेंट्स, उन सब के लिए ये जगह बहुत हेल्पफुल है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स से अलग रहते हैं, जिनको जो बुक्स पे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर पाते, उनको बाकी की चीज़ें भी एक्सपेंसेस देखने होते हैं, उनके लिए ये जगह अच्छी है। सो या डू हैव अ लुक। आई होप मैंने जिस पर्पस के लिए ये व्लॉग बनाया वो सॉल्व हो गया हो। बहुत लोग दिल्ली में पढ़ते हैं पर उनको नहीं पता होता कि चीप बुक्स या कहाँ से हमें नोटबुक्स वगैरह स्टेशनरी कम प्राइस में मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मुझे तो गाइस, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो डायरीज बहुत पसंद है और पर्सनली रीडिंग भी बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। इनफैक्ट व्हेन आई चेक्ड ऑनलाइन, मैं किसी साइट का नाम नहीं लूँगी, मैक्सिमम मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं 300 या 200 से कम कहीं पे भी नहीं दिखी। एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड अर्ली डिलीवरी यू हैव टू पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स चैलेंजेस, सो इट्स अ गुड डील फॉर मी। आई होप दिस व्लॉग वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग, डोंट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। Also, if you are traveling, seeing my vlog, do take all safety instructions. I followed all safety instructions. See you guys, stay safe.